जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर थे, 5 बच्चे एक बीवी सबकी टिकट बुक करी। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन 5 में से एक बच्चे को काट लिया। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना। 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब चुका। उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं।